यह है मेरे पास IQ Z6 Lite 5G। इसमें मिलता है लेटेस्ट प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा फ़ोन है जिसमें क्वालकॉम 4 Gen 1 का चिपसेट लगा हुआ है, और इसे मैं फुल डिटेल में आपको रिव्यू देने वाला हूँ। इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, कैमरा कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, बॉक्स काउंटर में क्या क्या मिलता है, और इसे आप अमेजोन से 10,999 रुपये में कैसे खरीद सकते हो, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। IQ का ब्रांडिंग है, यहाँ पे मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट केस। केस की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, प्रीमियम है और मुलायम भी है। और यहाँ पे मिल जाता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, यूज़र मैनुअल गाइड, कोई पढ़ता नहीं है, इसे रखते हैं साइड में। और इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। और ये है हमारा डिवाइस, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और देखते हैं बॉक्स काउंटर में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे एक गत्ता, कोई काम का नहीं है, इसे भी रखते हैं साइड में। और यहाँ पे मिल जाता है कुछ EMI नंबर का चिट, इसे बाद में आप फ़ोन में लगा सकते हो। और यहाँ पे मिल जाता है एक USB टाइप सी केबल। केबल का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, प्रीमियम है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। और देखते हैं बॉक्स काउंटर में क्या क्या मिलता है। यहाँ पे मिल जाता है एक सिम एजेक्टर टूल। और यहाँ पे देखते हैं तो क्या मिलता है। यहाँ पे कुछ लिखा है लेकिन चार्जर नहीं है। यहाँ पे लिखा है थैंक्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द प्लैनेट बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। बॉक्स सेंटर में और कुछ भी नहीं मिलता है। नीचे की तरफ मिलता है USB टाइप सी पोर्ट, यह है माइक्रोफोन, और यह है गड्ढा 3.5 mm वाला। और इस साइड में है स्पीकर ग्रिल। राइट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, और इसी के ठीक नीचे पावर की, और यही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा है 50 MP का, मैक्रो कैमरा है 2 MP का, और यहाँ पे 5G लिखा हुआ है, और यहाँ पे LED फ्लैश है। नीचे IQ का ब्रांडिंग दे रखा है। ऊपर की तरफ मिलता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, इसमें आप 2 सिम एक साथ यूज़ कर सकते हो, या फिर एक चिप और एक सिम को एक साथ यूज़ कर सकते हो। और लेफ्ट साइड में बिल्कुल प्लेन है। ये देखो इसका लुक मस्त है, डिज़ाइन फ्लाइट है। इसमें मिलता है बैक पैनल प्लास्टिक का मैट फिनिश के साथ। इसमें फिंगरप्रिंट का निशान बिल्कुल नहीं आता है, ना ही नाखून से स्क्रैच वगैरह आता है। इसका कलर है स्टेलर ग्रीन, ज़्यादा मत देखो प्यार हो जाएगा। स्मूथ है, वाओ। इसका वेट है 196 ग्राम, और पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल और प्रीमियम फील होता है। इसका जो डिस्प्ले का साइज है वो 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले है। और यहाँ पे बॉटम नॉच पे 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया है। नीचे की तरफ बेजल्स थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। इस साइड भी ठीक है, इस साइड भी ठीक है, ऊपर भी ठीक है। और डिस्प्ले का जो कलर है, जो कॉन्ट्रास्ट है, जो सेचुरेशन है, जो डिटेलिंग है, काफ़ी बढ़िया है। और इसका व्यू एंगल देख सकते हो, कहीं से भी आपको धुंधला बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। डिस्प्ले कलर को काफ़ी हद तक मेंटेन करता है। यहाँ पे अगर आप मूवी वगैरह ज़्यादा देखते हो तो डिस्प्ले आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। डिस्प्ले का जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, स्मूथ है। सेटिंग को ओपन करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस को क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रीन रिफ्रेश रेट को क्लिक करना है, और यहाँ से आप 60Hz, 90Hz, 120Hz पे रिफ्रेश रेट को सिलेक्ट कर सकते हो। इसकी स्क्रीन में है पांडा प्रोटेक्शन ग्लास, और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये इंस्टेंट अनलॉक कर देता है। देखिए लॉक लगाए, टच किया, अनलॉक, काफ़ी फास्ट अनलॉक करता है। इसमें फेस लॉक भी फास्ट काम करता है, देखते ही इंस्टेंट अनलॉक कर देता है। इसमें मिलता है एंड्रॉइड 12 फैंटस OS के साथ। इससे लेते हैं अपनी सेल्फी। देखो सेल्फी की डिटेलिंग काफ़ी बढ़िया है, स्क्रीन टोन को काफ़ी अच्छा मैनेज करता है। देखो बैक कैमरा तुरंत ऑब्जेक्ट को फोकस कर लेता है, और इससे मैंने कुछ फोटोज़ को क्लिक करी है नॉर्मल मोड पे, पोर्ट्रेट मोड पे, लो कंडीशन लाइट मोड पे और नाइट मोड पे। फोटोज़ को थोड़ा सा ब्राइट क्लिक करता है। इसका जो डायमिनिंग रेंज है, जो फोटोज़ का कलर है, जो सेचुरेशन है, बिल्कुल नेचुरल रखने की कोशिश करता है। लो मोड पे कुछ मैंने फ़ोटो क्लिक करी है, कुछ इस तरह का नॉइस आता है। नाइट मोड पे काफ़ी ज़्यादा नॉइस आता है, ये देख सकते हो। ये सब मैंने नाइट मोड से फोटोज़ को क्लिक करी है। नाइट मोड के लिए कैमरा उतना ठीक नहीं है। इसकी साउंड क्वालिटी सुनो, स्पीकर लाउड है, काफी लाउड है। इसकी बैक कैमरा और फ्रंट कैमरे से भी वीडियो को रिकॉर्ड करी है। अभी ये वीडियो शूट हो रहा है बैक कैमरे से 60 FPS में फुल HD में,
और इसका देख सकते हो स्टेबलाइजेशन कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक का यूज़ नहीं किया है, इसका जो इनबिल्ट माइक होता है वही इसका यूज़ हो रहा है। और इसका जो स्टेबलाइजेशन मुझे बिल्कुल खास नहीं लगा, स्टेबलाइजेशन उतना सही नहीं है। अभी ये वीडियो शूट हो रहा है फुल HD में 30 FPS में फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पे मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं किया है, इसका जो इनबिल्ट माइक होता है उसी का यूज़ कर रहा हूँ। और देख सकते हो इसका स्टेबलाइजेशन कुछ इस तरह का है, स्टेबलाइजेशन उतना खास नहीं है। ये देखो इसका अंतुतु बेंचमार्क स्कोर 337,000 के अराउंड में है। इसमें मिलता है एक ओक्टा कोर प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस है। तो क्यों जनता पबजी टेस्ट करना बनता। फोन में ग्राफिक काफ़ी बढ़िया आता देख सकते हो, 3-4 गेमिंग कराऊँ मैंने और अभी तक मुझे कोई लैग का और कोई फ्रेम ड्रॉप का इशू नहीं आया। अरे मुझे मार डालेगा रे, अरे मैं तो मरूँ गेमर हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुमको भाई, कहाँ हो आओ। काफ़ी स्मूथ गेमिंग का एक्सपीरियंस है। ओ माय गॉड दोबारा मार दिया, छोड़ूंगा नहीं तुमको। अरे कहाँ नज़र तो आते नहीं हो तुम, ओ भाग गो। अरे ओ मार दिया, ओ नाइस शॉट। लैग का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आता है, ना ही फ्रेम ड्रॉप का आता है, हल्का पल्का कभी फ्रेम ड्रॉप कभी कभी दिखाई देता है। ओ मार दिया, आओ आओ भाई साहब मुझे मारोगे खाली बार बार, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ओ माय गॉड, कहाँ चिप हो गए, नहीं छोड़ेंगे तुमको। यहाँ पे स्वाइप करने पर ये मोड ओपन हो जाता है, बैटरी सेवर मोड, बैलेंस मोड, मॉनिटर मोड। मॉनिटर मोड पे गेमिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ मिलता है। सेटिंग में ग्राफिक को चेक कर लेते हैं, HD ग्राफिक में हाई रेट पे आप गेमिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसमें लगभग मैंने 1.5 घंटा पबजी खेला है, ना ही फोन लैग हुआ, ना ही थोड़ा सा भी हीट हुआ। डायलर फास्ट है, मैसेज फास्ट है, गूगल असिस्टेंट फास्ट है, प्ले स्टोर फास्ट है, एल्बम फास्ट है, आई मैनेजर फास्ट है, मल्टीटास्किंग काफ़ी फास्ट है। इस फोन में मिलता है 240 का टच सैम्पलिंग रेट। इस फोन में मिलता है 2 5G के बैंड, एक N77 और एक N78, और इसमें कैरियर रेगुलेशन का भी सपोर्ट मिलता है। आपको मिलेगा एंड्रॉइड अपडेट 2 साल का और सिक्योरिटी अपडेट 3 साल का। इसमें मिलता है 5000 mAh की बिग बैटरी, सारा दिन का बैकअप निकाल देता है, बैटरी बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो इसमें चार्जर है नहीं, लेकिन ये 18W के चार्जर को सपोर्ट करता है। इस फोन की 4 चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस प्राइस के हिसाब से। नंबर 1, इसमें मिलता है 120Hz का फुल HD+ डिस्प्ले। नंबर 2, इसमें मिलता है एक पावरफुल प्रोसेसर। नंबर 3, इसका बैटरी बैकअप बहुत ही बढ़िया है। नंबर 4, इसका लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। जब भी अमेजोन पर ऑफर चले आप क्रेडिट कार्ड लगा के इसे बाय कर लीजिए, सस्ता पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।